70 के दशक की बेहद खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेसेस में से एक लीना चंदवरकर हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। कर्नाटक के धारवाड़ में एक कोंकणी मराठी परिवार में जन्मी लीना अपने इसी ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए मायानगरी मुंबई आई थी। उन्होंने 1968 में फिल्म मन का मीत से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म सुपरहिट रही और लीना रातों रात स्टार बन गई थी। लीना जब अपने करियर के टॉप पर थी तब उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट सिद्धार्थ बंदोडकर से सगाई कर ली थी। सिद्धार्थ गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर दयानंद बंदोडकर के बेटे थे। 1975 में लीना और सिद्धार्थ ने पणजी में एक ग्रैंड वेडिंग की थी। हालांकि शादी के 11 दिन बाद लीना के पति सिद्धार्थ ने गलती से अपनी रिवॉल्वर साफ करते हुए खुद को गोली मार ली थी। 11 महीने के इलाज के बाद 1976 में सिद्धार्थ का निधन हो गया और लीना 26 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। सिद्धार्थ के निधन के बाद लीना चंदवरकर डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद उनके माता पिता उन्हें धारवाड़ में अपने होम टाउन वापस ले आए। लोग उन्हें मांगलिक कहते थे और विधवा होने की वजह से उनका अपमान किया जाता था। कुछ समय बाद लीना अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा करने के लिए मुंबई लौट आई। 1976 में लीना ने किशोर कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म प्यार अजनबी है साइन की। इसी दौरान लीना और किशोर को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। हालांकि जब किशोर कुमार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इस बारे में बात करते हुए किशोर कुमार की पहली पत्नी रुमा गुहा ठाकुराता है के बेटे अमित कुमार ने कहा था, लीना चंदवरकर के साथ बाबा को आखिरकार खुशी मिली। बाबा ने उन्हें अपनी फिल्म में एक रोल ऑफर किया था। जब उन्होंने अपने पति को खो दिया था और दो अधूरी फिल्मों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गई थी, उन्होंने फिल्म एक्सेप्ट कर ली थी और अपने डिप्रेशन से बाहर भी आ गई। उन्होंने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। बहुत मिन्नतें करने के बाद लीना किशोर कुमार से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। हालांकि उनके पिता इस मैच के खिलाफ थे क्योंकि किशोर की 3 बार शादी हो चुकी थी। किशोर कुमार को लीना से गहरा प्यार था और वो उनसे शादी करने के लिए जिद पर अड़ गए थे। इसके लिए वो धारवाड़ में उनके घर गए और वहाँ जाकर उन्होंने गाना गाया, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो। इस गाने ने लीना के पिता का दिल पिघला दिया। बताया जाता है कि किशोर कुमार ने 1980 में लीना चंदवरकर से शादी की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब लीना ने किशोर के साथ 7 फेरे लिए थे तब वो प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, लीना और किशोर ने 2 शादियां की थी, एक रजिस्टर्ड मैरिज थी और दूसरी हिंदू रीति रिवाजों से। 1977 में सिने प्लान के साथ एक थ्रोबैक इंटरव्यू में लीना ने खुलासा किया था कि अपनी हिंदू शादी के दौरान वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। बता दें कि किशोर कुमार का 1987 में निधन हो गया था। किशोर कुमार के निधन के दिन को याद करते हुए लीना ने खुलासा किया था कि उन्हें लगा कि वो उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। लीना ने कहा था, 13 अक्टूबर की सुबह जिस दिन 1987 में किशोर कुमार का निधन हुआ वो पीले दिख रहे थे और मानो गहरी नींद में हो। जैसे ही मैं उनके पास गई तो वो जाग गए और पूछा, क्या तुम डर गई हो? लंच के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि हम शाम को रिवर ऑफ नो रिटर्न फिल्म देखेंगे। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें अगले कमरे में फर्नीचर हिलाते हुए सुना। जब मैं देखने गई कि क्या हो रहा है तो मैंने उन्हें बिस्तर पर पड़ा देखा। घबरा कर उन्होंने कहा, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी तो उन्होंने गुस्से में आकर कहा, डॉक्टर को बुलाओगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा। यही उनकी लास्ट लाइन थी। उनकी आँखें खुली हुई थी और वो सांस छोड़ रहे थे। मुझे लगा कि वो हमेशा की तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन वो एंड था। इसी के साथ 36 ईयर्स की उम्र में लीना एक बार फिर विधवा हो गई थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।